नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एक्सेल सीट में इसमें दो से और तीन सीट को जो है एक सीट में किस तरह से लिंक करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहां पे एक सीट है और देखिए यहां पे मेरे पास एक सीट है। कितना सीट है? एक्सपोर्ट का डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेल्स है और डोमेस्टिक सेल्स है और ऑल टुगेदर है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट सेल्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका जो है ये मंथ वाइज जो है सेल्स दिया हुआ है। कितना एक्सपोर्ट टाइप का जो सेल्स है उसको जो है आप यहाँ पे मंथ वाइज लिखे हो, जनवरी फरवरी मार्च सभी का जो है इस मंथ का कितना सेल्स हुआ है, सभी मंथ वाइज यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गई डोमेस्टिक एक्सपोर्ट सेल्स की। ठीक है, एक सीट में आपको एक्सपोर्ट सेल्स है और एक सीट है मेरे पास यहाँ पे जो है डेटा है वो डोमेस्टिक सेल्स का है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ देखिए यहाँ पे क्या है, डोमेस्टिक सेल्स का डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग दो सीट में एक्सपोर्ट का अलग है और डोमेस्टिक का मेरे पास अलग सीट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का डेटा है और यहाँ पे डोमेस्टिक का डेटा है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये दोनों डेटा जो है एक ही सीट में होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक डेटा है, मतलब यहाँ पे एक सीट है और इस सीट में जो है मुझे एक्सपोर्ट का भी चाहिए और डोमेस्टिक का भी चाहिए और यहाँ पे टोटल। टोटल के लिए तो आसान है, आप जो है ये दोनों को मैं नॉर्मली प्लस कर दिया, इस सेल को और सेल को ऐड कर दिया हूँ, टोटल सेल्स में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिंक कैसे करेंगे एक्सपोर्ट सेल्स को जो है यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है यहाँ पे देखिए क्या है, आपको जो व्यू में जाके अगर देखेंगे जो भी आपके पास एक्सेल सीट या ओपन रहेगा यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मुझे एक्सपोर्ट सेल्स है यहाँ पे, मैं इस सीट पर जाता हूँ। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सेल में जैसे मंथ यहाँ का है जनवरी मंथ का, मैं डेटा को क्या करूँगा कॉपी करूँगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप क्या करो यहाँ पे ऑल टुगेदर पर जो सीट है इस सीट में जाके यहाँ पे क्या करो और यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाइए। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पेस्ट लिंक है। ठीक है, आपको जो पेस्ट स्पेशल में जो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, पेस्ट लिंक, आप यहाँ पे क्या करो पेस्ट लिंक पे प्रेस करो तो ये जो है सेल्स जो है यहाँ पे जो है आ गया। देखिए ये डेटा कहाँ से आए, किस लिंक से ले रहा है, एक्सपोर्ट सेल से लिया है और सीट नंबर कितना है, सी का थर्ड रो से, सी का थर्ड रो से। देखिए चलते हैं और इसमें देखते हैं एक्सपोर्ट सेल्स में कितना होगा जनवरी का जो है, देखिए सी का जो है थर्ड रो से जो है ये डेटा लिया है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, मुझे पूरा चाहिए तो कोई बात नहीं, आप इसको जो है पूरा कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद जो है आप कहाँ पे डालना चाहते हैं, इसमें डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल, ठीक है, पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे जो है पेस्ट वैल्यू कर दीजिए। ठीक है, तो सभी जो है लिंक जो है यहाँ से ऐड हो चुका है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट का जितना भी डेटा था आप उस सीट से का डेटा जो है यहाँ पे आ गया है और सभी जो है डेटा देखिए यहाँ से जो है लिंक के थ्रू आपका उस सीट से यहाँ पे जो है लिंक के थ्रू यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर डोमेस्टिक सेल का वैल्यू भी वहाँ चाहिए तो आप क्या करोगे, डोमेस्टिक सेल पे जाओगे, सीट पे डोमेस्टिक वाले डोमेस्टिक सेल्स का जो सीट है ये सीट है और इसी सीट को जो आप क्या करोगे यहां से कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी करने के बाद कौन सा सीट है हमारा, ऑल टुगेदर इस सीट में जो है डोमेस्टिक सेल्स का वैल्यू है, आप यहां पे क्या करो पेस्ट स्पेशल में जाके और पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद क्या करना है, मुझे कौन सा पेस्ट लिंक करना है। ठीक है, वो लिंक जो है यहां पे पेस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे जो है जनवरी मंथ से लेके पूरा ईयर का जो है यहाँ पे मंथ वाइज एक्सपोर्ट सेल्स और डोमेस्टिक सेल्स दोनों का यहाँ पे आ चुका है। सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है, इसका क्या फायदा है वो दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ एक्सपोर्ट सेल्स है, यहाँ पे कितना है अभी, $25,000 है। ठीक है, $25,000 है एक्सपोर्ट का जनवरी मंथ का। अभी देखिए मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले सीट पे जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सपोर्ट सीट है यहाँ पे देखिए ये सीट है न्यू एक्सेल, इसमें क्या करना है, आप एक्सपोर्ट में जो है जनवरी मंथ का कितना 25,000 है, यहाँ पे आप वैल्यू को आप चेंज करके 10,000 कर दो। क्या किया यहाँ पे, 10,000 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 10,000 चेंज किया हूँ मैं, लेकिन आप देखेंगे कि आप जो का जो मेन सीट है जिसमें कि सारा डेटा यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। ये जो सीट है आप जो भी चेंजेज करोगे उस सीट में उसका डायरेक्ट इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा और सारा का सारा डेटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा उसके अनुसार।
तो किस तरह से हम लोग लिंक के थ्रू दो सीट को ऐड किए, ठीक है, मल्टीपल सीट को ऐड किए, वो आपको पता चल गया। यहाँ पे जो है ये सीट और ये सीट को इस सीट के में हम लोग ने ऐड कर दिया ऑलरेडी। आपको पता चल गया किस तरह से आप ऐड किए हो, ठीक है, पता चल गया कैसा है नहीं है पूरा डिटेल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बात हो गई कि मतलब दो अलग अलग सीट था तो इस सीट में किस तरह से ऐड किया। उसी तरह से अगर मेरे पास एक ही सीट है, मतलब एक्सेल का जो है ये एक वन सीट है एक्सेल का, जिसमें कि एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सीट का जो है लिंक करना है, और इसमें आपको जो एक्सेल फाइल जो है वो एक ही सीट के अंदर है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स और ये है एक्सपोर्ट सेल्स और यहाँ पे है ऑल, ठीक है। तो ये सीट का वैल्यू और इस सीट का जो वैल्यू दोनों का जो है लिंक के थ्रू मुझे यहाँ पे ऐड करना है। क्या करना है, लिंक के थ्रू ऐड करना, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी बस वही काम है, क्या काम करना है, आप जो है यहां से डोमेस्टिक से जैसे एक्सपोर्ट का यहां पे मुझे ऐड करना है, तो आप यहां एक्सपोर्ट के लिंक पे जाइए और यहां पे क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी सेलेक्ट कीजिए और यहां से कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ऑल में जाएंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे आप क्या करो, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट लिंक। तो आपका जो भी वैल्यू था इस सीट का वैल्यू, सारा वैल्यू जो है आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। एक्सपोर्ट सेल की बात हो गई, इसी तरह डोमेस्टिक सेल भी चाहिए तो आप यहाँ पे कौन सा सीट में जाएंगे, डोमेस्टिक सीट पे जाएंगे और यहाँ पे जो है सेलेक्ट करेंगे सभी को और यहाँ पे आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद ऑल में जाके यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद पेस्ट लिंक कर दीजिए, तो आपका जो है ये सीट जो है लिंक हो चुका है। यहाँ पे देखिए अभी कितना लिखा हुआ, 25,000 लिखा हुआ है एक्सपोर्ट सीट में, ठीक है, जनवरी मंथ का सीट। मैं इस सीट को देखिए चेंज करूँगा, यहाँ पे कितना है 25, यहाँ पे मैं 5,000 कर रहा हूँ, ओनली 5,000 कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, एक्सपोर्ट सीट में आपने जनवरी मंथ में लिखे हैं 5,000 चेंज करके, तो देखिए ऑल में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी देखिए ऑटोमेटिक आपका चेंज हो चुका है, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। किस तरह से किए आपको पता चल गया होगा। चलिए ये तो रहा एक मेथड से, आपको यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सभी को वहां पे पेस्ट किया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है इसको पेस्ट करने का, वो भी मैं बता देता हूं। दूसरा क्या हो सकता है, आप क्या करो, एक्सपोर्ट सीट का है, यहाँ पे एक्सपोर्ट सीट है, यहाँ का फर्स्ट वैल्यू, जो फर्स्ट वैल्यू है इसको आप कॉपी कर लो, ओनली वन वैल्यू को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूं, ओके, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कैसे करना है, पेस्ट जो करना है स्पेशल पेस्ट में जाना है और यहाँ पे पेस्ट लिंक करना है, ताकि यहाँ पे लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट हो गया। अभी क्या करो, यहाँ पे देखिए C3, यहाँ पे जो है C3 का वैल्यू आया और यहाँ देखिए क्या हो गया, आपका जो फॉर्मूला है C3 जो है आपके 3 के साथ जो है डॉलर लगा हुआ है, ठीक है, 3 के साथ क्या लगा हुआ है, डॉलर लगा हुआ। आपको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाता हूँ इसको, ठीक है, ये फार्मूला को मैं एक्सपेंड करके दिखाता हूँ। तो देखिए 3 के साथ क्या लगा हुआ, डॉलर लगा हुआ। मुझे क्या चाहिए, ये डॉलर को मैं हटा दूंगा, ठीक है, ये डॉलर सिंबल को मैं हटा दिया, डिलीट कर दिया नॉर्मली, ठीक है। तो उसके बाद क्या करूंगा, इसको आप ड्रैग कर दीजिए, यहां तक ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद देखिए क्या होता है, जैसा ड्रैग किया देखिए ऑटोमेटिक सभी डेटा ऑटोमेटिक फीड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अभी फरवरी मंथ का सेल्स यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, 15,000, यहाँ पे देखता हूँ एक्सपोर्ट में जाने के बाद, देखिए यहाँ भी 15,000 है, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 15,000 से लेके जो 36,000 कर दे रहा हूँ इसको फरवरी मंथ का, तो देखिए यहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं, यहाँ पे आपको चेंज हो गया। किस तरह से किया, कैसा किया, आपको मैंने 2 मेथड से बताया हूँ किस तरह से यहाँ पे लिंक के थ्रू जो है आप जो है एक सीट को दूसरे सीट के साथ अटैच करेंगे। पूरा लिंक के बारे में जानकारी दिया, उसमें भी आपको जो है एक अलग अलग सीट को किस तरह से एक सीट में लिंक करेंगे और एक ही सी एक्सेल फाइल में अलग अलग टैब रहा तो वहाँ से डेटा कैसे पेस्ट करके लिंक करेंगे वो भी मैंने बताया इस सीट में, और लिंक करने का भी 2 तरीका बताया, ठीक है। और भी एक तरीका हो सकता है, और एक तरीका क्या हो सकता है यहाँ पे मैं उसको भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए अगर उसको दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डोमेस्टिक सीट है, यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पे हॉल में जाने के बाद यहाँ पे बस इक्वल लिख दो, ठीक है, यहाँ पे इक्वल लिख दो। यहाँ पे देखिए लिंक कैसे ऐड होता है, इक्वल लिख के डोमेस्टिक सीट में जाइए और यहाँ पे फर्स्ट डेटा कौन सा है, ये जनवरी मंथ, आप इंटरप्रेस कर दो। तो ये डेटा देखिए
ऑटोमेटिक जो है ऐड हो चुका है लिंक, और इसको आप ड्रैग कर दो। ठीक है, तो सभी देखे अभी, अब मैं मान के चलिए यहाँ पे अक्टूबर मंथ का जो है 89,000 यहाँ पे सेल्स है डोमेस्टिक का। ठीक है, यहाँ पे देखिए अक्टूबर मंथ का 89,000 करेक्ट है, सभी आ रहा है ट्रेडिंग। मैं कितने तरीका से बताया, 3 मेथड से बताया हूँ किस तरह से जो है एक्सेल सीट में एक दूसरे सीट का जो है लिंक को ऐड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ डाउट हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।